चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया एक मॉडर्न थी, पर उसकी सास पुराने ख्यालातों की थी। फिर भी कभी भी चिंकी चिड़िया की सास कबूतर ही ने उसे घूमने फिरने या छोटे कपड़े पहनने के लिए रोक टोक नहीं की। ऐसे ही एक दिन, अरे चिंकी बहू कहाँ से आ रही है और जाते हुए मुझे नहीं बताया? मैं तेरी नजर उतार देती बेटा, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू इन कपड़ों में। हाँ मांझी, दरअसल आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे था ना, तो मैं उसी के साथ सुबह जल्दी चली गई थी। अच्छा मांझी, मैं चलती हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इतना बोलकर चिंकी चिड़िया आराम करने चली जाती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और चिंकी चिड़िया अपने कुछ दोस्तों को सूट में घूमते हुए देखती है। अपने दोस्तों को सूट में घूमता देख उसे भी सूट पहनने का दिल करता है और वो अपनी सास से कहती है, मांझी मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं सूट पहनूं, क्या आप मुझे सूट दिलवा सकती हैं? बहू मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू सूट पहनना चाहती है, मुझे तो सुनकर ही खुशी हो रही है। मैं आज ही तुझे सूट के कपड़े दिलवा देती हूँ जो तुझे पसंद आए, ले लेना और किसी अच्छे टेलर से जाकर सिलवा लेना। क्या सूट भी सिलवाना पड़ेगा? क्या रेडीमेड सूट नहीं मिल सकता? रेडीमेड सूट भी मिल जाएगा, लेकिन वो इतने टिकाऊ और अच्छे नहीं होते और उसकी भी तुझे फिटिंग करवानी पड़ेगी। इससे तो अच्छा है कि तू कुछ सूट के कपड़े ले ले और उसे अपनी फिटिंग के हिसाब से सिलवा ले। अब चिंकी चिड़िया अपनी सास की बात मान जाती है और अपनी सास के साथ सूट लेने दुकान पर जाती है, जहाँ से वो कुछ सूट के कपड़े लेकर आती है। चिंकी चिड़िया के सारे सूट बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और वो सूट देखकर अपनी सास से कहती है, माझी सारे सूट कितने अच्छे लग रहे हैं, मैंने इतने सारे कपड़े खरीदे पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन सबको सिलवाऊं कि नहीं। माझी अगर आपको आसपास किसी टेलर के बारे में बताओ तो मुझे बता दो। बहू मैं तो सूट सिलवाती नहीं, पर हाँ कोयल को पता होगा, वो सूट सिलवाती रहती है। मैं उसे कह देती हूँ कि वह तुझे दर्जी के पास ले जाए। अब कबूतर ही कोयल को अपने घर बुलाती है और अपनी बहू को कोयल के साथ दर्जी के पास भेज देती है। कोयल चिड़िया को अपने साथ चील दर्जी की दुकान पर लेके जाती है, जहाँ वो चील से कहती है, भैया ये हमारी भाभी है, इनका ना अच्छे से नाप लेना, पहली बार सूट पहन रही तो फिटिंग अच्छी बैठनी चाहिए, अगर सूट अच्छा नहीं सिला तो भाभी तुमसे फिर कभी सूट नहीं सिलवाएंगी, समझे? अरे आज तक हमारी सिलाई में कभी कोई शिकायत आई है जो तुम ऐसा कह रही हो? और ये तो इस मोहल्ले की बहू है, इनका नाप तो हम अच्छे से लेंगे, वैसे इनके कपड़े और स्टाइल को देख कर लग तो नहीं रहा कि हमारे जंगल की बहू है। चील एक थर की दर्जी था जो पक्षियों का नाप लेने के बहाने उन्हें छेड़ा करता, पर इस बात से चिंकी चिड़िया बिल्कुल अनजान थी और चिंकी का नाप लेने लगता है वो। भाभी जरा सही से खड़े हो जाओ, नाप लेने में दिक्कत हो रही है, आप सही से नहीं खड़े होंगी तो सूट अच्छा नहीं बन पाएगा। सही से तो खड़ी हूँ, क्या तुम मैं अंदर घुस कर नाप लोगे? अरे भाभी आप तो नाराज हो गए, मेरा तो यही काम है, लगता है आप पहली बार नाप दे रही इसीलिए भड़क रही है। सही पकड़े हो चील भैया, भाभी पहली बार सूट पहनेंगी और पहली बार ही नाप दे रही, तो जरा अच्छे से नाप लो और भाभी को कुछ सामान दिलाओ। कोयल भी चील के साथ थी, पर चिंकी चिड़िया को चील की हरकतें अच्छी नहीं लगती और वो जल्दी से नाप देकर घर जाने लगती है। रास्ते में चील की इस हरकत के बारे में वो कोयल से बात करती है। कोयल तुम चील दर्जी को अच्छा कैसे कह सकते हो? मुझे तो वो दर्जी बिल्कुल ठीक नहीं लगा, पता नहीं क्यों मुझे वो थोड़ा ठरकी लगा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर मुझे छेड़ रहा हो। नहीं भाभी जी, चील भैया पर संदेह मत करो, हमारे जंगल के सबसे अच्छे दर्जी है, इनका हमारे जंगल में नाम चलता है, अगर आप इस तरह से कहोगे तो उनकी बदनामी हो जाएगी और सिराई उनकी रोजी रोटी है, आप क्या चाहते हो उनसे उनकी रोजी रोटी छिन जाए, और वैसे भी वो मेरे दूर के रिश्तेदार है, मैं उन्हें जानती हूँ, वो ऐसे नहीं है। चिंकी चिड़िया की बात कोयल मान जाती है और इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद चिंकी चिड़िया चील दर्जी से अपना सूट लेकर आती है। चील ने काफी अच्छा कपड़ा सिला था, ये देखकर चिंकी चिड़िया को कोयल की बात पर विश्वास हो जाता है। सच में चील दर्जी ने तो कपड़ा अच्छा सिला है, सूट मुझ पर कितना सूट कर रहा है, अब छोटे कपड़े पहनने का दिल नहीं कर रहा, अब से मैं सूट साड़ी ही पहना करूंगी और सारे कपड़े चील दर्जी से सिलवाए करूंगी। क्योंकि चिंकी चिड़िया को चील की हाथों की सिलाई अच्छी लगती है, इसलिए अब दूसरी बार भी चील के पास सिलाई करवाने जाती है और अपना पुराना सूट का नाप साथ लेकर जाती है। तुमने बहुत अच्छा सूट सिला है, जैसे पहले सिला था ठीक उसी तरह से सिल दो, मैं नाप लेकर आई हूँ। अरे भाभी इतना कष्ट करने की क्या जरूरत है, आप खाली हाथ आ जाते ना, क्योंकि नाप तो हम आपका ले ही लेंगे, क्योंकि कपड़े का नाप सूट की फिटिंग सही नहीं बैठती है, दरअसल धुलाई होने के बाद ना कपड़े अक्सर सिकुड़ जाया करते हैं। चिंकी चिड़िया चील की बात मानती है और एक बार फिर उसे अपना नाप देती है। इस बार भी चील के नाप लेने का तरीका चिंकी चिड़िया को अच्छा नहीं लगता, पर उसे कोयल की बात याद आती है और वो बहुत सारी बातों को इग्नोर कर देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन फिर बीत जाते हैं। इस बार भी जब चिंकी चिड़िया चील के पास नाप देने जाती है तो चील की हरकतें उसे फिर पसंद नहीं आती, क्योंकि चील इस बार भी नाप लेने के बहाने चिंकी चिड़िया को गंदी नजरों से देख रहा होता है, साथ ही साथ उसे बार बार गंदी नियत के साथ छूने की कोशिश करता है, पर इस बार भी चिंकी चिड़िया बर्दाश्त नहीं करती और वो चील को खरी खोटी सुना देती है। बस करो, अब मैं पहली बार सूट नहीं सिलवा रही जो मुझे तुम्हारी बुरी नियत का पता न चले, मुझे लगता है ना कि तुम अच्छे पक्षी हो, पर तुम्हारे छूने का
अंदाज मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अब से मैं तुमसे कोई कपड़े नहीं सिलवाऊंगी, समझे तुम। चिंकी चिड़िया चील को खरी खोटी सुनाती और थप्पड़ मार कर चली जाती है, जिसके बाद चील थप्पड़ का बदला लेने के लिए पूरे जंगल में झूठी अफवाह फैलाता है कि चिंकी चिड़िया का चक्कर उसके साथ चल रहा है, जिस वजह से सभी चिंकी चिड़िया पर उंगली उठाने लगते हैं। पर कबूतर ही इस अफवाह पर विश्वास नहीं करती और वो अपनी बहू के साथ खड़ी रहती है। बहू फिक्र मत कर, जिसको जो बोलना है बोलने दे, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। अगर कोई छोटे कपड़े पहनता है तो वो कैरेक्टर लेस नहीं होता। ये जंगल वाले खुद को क्या समझते हैं? मैं भी जानती हूँ उस चील को, पहले भी एक बार अफवाह उड़ी थी उसकी। और मेरी बहू एक दर्जी से क्यों चक्कर चलाएगी? बाकी के स्मार्ट पक्षी मर गए हैं क्या? माँ जी आप बहुत अच्छी, ऐसी सास तो किस्मत वालों को मिलती है। पर माँ जी आप देखना, मैं उस चील का पर्दाफाश करके रहूंगी और सबको बता दूंगी कि मेरे उसके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा, सब झूठ है। अब चिंकी चिड़िया भी ठान लेती है और वो खुद को बेकसूर साबित करके रहेगी, और इसीलिए वो अपनी बहन की मदद लेती है, उसे चील दर्जी के पास भेजती है ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। और ऐसा ही होता है, जब चील चिंकी चिड़िया की बहन का नाप लेने के समय उसके साथ बदतमीजी करता है तो चिंकी चिड़िया की बहन सब रिकॉर्ड कर लेती है और सबके सामने चील दर्जी का असली रूप सामने ले आती है और चिंकी चिड़िया खुद को निर्दोष साबित कर देती है। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया एक मॉडर्न थी, पर उसकी सास पुराने ख्यालातों की थी। फिर भी कभी भी चिंकी चिड़िया की सास कबूतर ही ने उसे घूमने फिरने या छोटे कपड़े पहनने के लिए रोक टोक नहीं की। ऐसे ही एक दिन, अरे चिंकी बहू कहाँ से आ रही है और जाते हुए मुझे नहीं बताया? मैं तेरी नजर उतार देती बेटा, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू इन कपड़ों में। हाँ मां जी, दरअसल आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे था ना, तो मैं उसी के साथ सुबह जल्दी चली गई थी। अच्छा मां जी, मैं चलती हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इतना बोलकर चिंकी चिड़िया आराम करने चली जाती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और चिंकी चिड़िया अपने कुछ दोस्तों को सूट में घूमते हुए देखती है। अपने दोस्तों को सूट में घूमता देख उसे भी सूट पहनने का दिल करता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं सूट पहनूं, क्या आप मुझे सूट दिलवा सकती हैं? बहू मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू सूट पहनना चाहती है, मुझे तो सुनकर ही खुशी हो रही है। मैं आज ही तुझे सूट के कपड़े दिलवा देती हूँ जो तुझे पसंद आए, ले लेना और किसी अच्छे टेलर से जाकर सिलवा लेना। क्या सूट भी सिलवाना पड़ेगा? क्या रेडीमेड सूट नहीं मिल सकता? रेडीमेड सूट भी मिल जाएगा, लेकिन वो इतने टिकाऊ और अच्छे नहीं होते, और उसकी भी तुझे फिटिंग करवानी पड़ेगी। इससे तो अच्छा है कि तू कुछ सूट के कपड़े ले ले और उसे अपनी फिटिंग के हिसाब से सिलवा ले। अब चिंकी चिड़िया अपनी सास की बात मान जाती है और अपनी सास के साथ सूट लेने दुकान पर जाती है, जहाँ से वो कुछ सूट के कपड़े लेकर आती है। चिंकी चिड़िया के सारे सूट बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और वो सूट देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी सारे सूट कितने अच्छे लग रहे हैं, मैंने इतने सारे कपड़े खरीदे पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन सबको सिलवाऊं कि नहीं। माँ जी अगर आपको आसपास किसी टेलर के बारे में बताए तो मुझे बता दो। बहू मैं तो सूट सिलवाती नहीं, पर